पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उन्हें हमें बताया कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उससे पता चला है कि एक इंसान तो नहीं था ना, तो इस केस को बंद करने की कोशिश। सर सिर्फ फीमेल डॉक्टर्स ही नहीं, आई थिंक इंडिया की हर एक फीमेल इस वक्त बिल्कुल सेफ फील नहीं कर रही होगी। जो अभी केस हुआ उसके बाद तो 1% जो फीमेल होगी वो सेफ़ नहीं होगी। हम लोग घर से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो ड्यूटी देने आते हैं, अगर वो अपने वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं है तो वो कहाँ पर सेफ़ होंगी। पहले कहा जाता था कि लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने तो उनका रेप हो गया, वो रात को बाहर निकली है तो उनका रेप हो गया। जब एक इंसान ड्यूटी दे रहा है तो उसका रेप हो रहा है, तब लड़कियों पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकती लड़कियों की वजह से। लड़कों की मानसिकता ही ऐसी है, जो इतना निर्दयी काम जो किया गया है उसके साथ, उसके लिए हम यहाँ पर सब इकट्ठे हैं और तब तक इकट्ठे होते रहेंगे जब तक गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती। और यहाँ पर सिर्फ एक गुनहगार नहीं है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है बहुत 10 से ज़्यादा लोग हैं जितने हैं नहीं पता, सिर्फ एक को सामने करके ये बोला गया है कि एक ने कर दिया और बात खत्म करने की कोशिश की जा रही है, पर ये एक नहीं है, शायद 10 हैं, शायद कितने लोग हैं। हम तब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक सब नहीं पकड़े जाते और तब तक हम साथ देते रहेंगे जब तक सबको सज़ा नहीं मिल सकती। और जल्द से जल्द सज़ा देनी चाहिए, इतने साल नहीं लगाने चाहिए जितना निर्भया केस में हुआ था, जल्दी से जल्दी सज़ा मिलनी चाहिए, हम यहाँ तक बोलते रहेंगे। देखिए बात यह है कि हमने कई चीज़ें सही हैं पेशेंट्स का सोच के, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार डॉक्टर्स के साथ कुछ गलत हुआ है, डॉक्टर्स के साथ हमेशा से ही गलत होता रहा है और रेजिडेंट्स के साथ तो जानवरों की तरह सलूक किया जाता है। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में, इसने हमारे अंदर एक जो गुस्सा था उसको इस तरह से बाहर निकाला है कि हम अब चुप नहीं बैठ सकते। और पब्लिक को दुखी करना, उनको सफ़र कराना हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है, बट सच यही है कि जब तक हम ये हल्ला नहीं करेंगे, हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लोगों पे असर नहीं पड़ेगा। मेरे खुद के मोहल्ले में, घर में लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं स्टोरीज डाले जा रही हूँ, लोग इंडिपेंडेंस डे कल मना रहे हैं, लोग मज़े कर रहे हैं, अगर हम ये आज हल्ला नहीं करते तो किसी को नहीं पता चलता। फीमेल डॉक्टर अपने आप को कब और कैसे सेफ महसूस करेंगी? फीमेल डॉक्टर अपने आप को तब महसूस करेगी सबसे पहले तो जब हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड होगी। हम इस कलयुग में लोगों की मेंटालिटी चेंज होने का वेट नहीं कर सकते कि लोग औरतों की एकदम से इज्जत करना शुरू करें। डर एक बहुत बड़ा पावर होता है। जब तक लोगों के ऊपर डर नहीं होगा कि एक औरत के साथ छेड़छाड़ी करने पे, एक औरत के ऊपर हाथ डालने पे उसको बीच चौराहे में खड़ा करके मारा जाएगा, तब तक लोग ये घटिया हरकतें करना, ये दरिंदगी छोड़ना बंद नहीं करेंगे।